सो हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोमेट्री की। जियोमेट्री की बात करने का मतलब है कि जियोमेट्री के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जियोमेट्री हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और जियोमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब है अर्थ, और मेट्री या फिर मेट्रोन का मतलब है मेट्री या मेट्रोन, इन दोनों का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, तो जियोमेट्री का मतलब क्या होगा आपको तो वैसे गेस कर लिया होगा आपने। जियोमेट्री का मतलब होगा अर्थ की मेजरमेंट। अर्थ की मेजरमेंट तो जियोमेट्री में नहीं होती है, जियोमेट्री में तो हर चीज की मेजरमेंट होती है, लेकिन फिर भी इसको अर्थ की मेजरमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि फर्स्ट जब जियोग्राफी डिस्कवर हुआ था तो वो लैंड बेस्ड पे ही हुआ था। मतलब इजिप्शियंस लोग रिवर नाइल के पास में रहते थे, नाइल रिवर फ्लड होती थी बहुत तो उनके लैंड वेरोज भी उसके साथ साथ चले जाते थे, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि ये मेरा लैंड है या फिर ये तुम्हारा लैंड है, ये ऐसे। तो उन्हें मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे शेप्स और बहुत सारे यूनिट्स का डिस्कवर करना पड़ा, इसीलिए उसको जियोमेट्री कहा जाता है। क्योंकि फर्स्ट जब जियोमेट्री डिस्कवर हुआ था तो वो इसी फॉर्म में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, देखिए जियोमेट्री का मतलब क्या है कि जियोमेट्री एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए जियोमेट्री अलग अलग शेप को मिला के हम एक नया शेप बना दें, मतलब कुछ अलग अलग शेप मिला के हम एक नई डिस्कवरी कर दें, ऐसे होगा। या फिर जियोमेट्री एक हर एक चीज़ों का मेजरमेंट होता है, मतलब मान लीजिए हर एक चीज़ों में जियोमेट्री कहीं ना कहीं छुपी हुई है। जैसे कि मान लीजिए आपका घर का टेबल जो है, टेबल क्या है, रेक्टेंगुलर है, बेड रेक्टेंगुलर है, और खिड़की स्क्वायर रेक्टेंगुलर होती ही है ऐसे। ठीक है, तो मेरा मतलब क्या था कि जब मैंने बोला कि दो चीज़ों को, दो शेप्स को एक साथ मिला के हम लोग जियोमेट्री में नई डिस्कवरीज कर सकते हैं, तो मेरा मतलब यह था, मान लीजिए कि एक ट्राइंगल हो गया, दो ट्राइंगल्स को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। दो ट्राइंगल्स मिला के हम क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। ये आपको पता होगा ना, दो ट्राइंगल्स मिला के हम एक स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा मतलब ये था कि अब मान लीजिए इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे इसको इधर लाए तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे दो ट्राइंगल्स को एक साथ लगेगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, तो इधर एक ट्राइंगल है, इधर एक ट्राइंगल है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स को एक साथ लाने से ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसीलिए मेरा मतलब था कि आप नए नए शेप्स को मिला के एक दूसरा शेप बना सकते हैं। जियोमेट्री इसी के बारे में है, जियोमेट्री अलग अलग शेप्स के बारे में है। तो जियोमेट्री के डिस्कवरर्स कौन थे? जियोमेट्री सबसे पहले पाइथागोरस आए। पाइथागोरस ने बहुत सारे थ्योरम्स निकाले जो कि ट्राइंगल से बेस्ड से, और उसके बाद यूक्लिड आए जिन्होंने पॉइंट, सर्कल्स इन सब का आविष्कार किया। और यूक्लिड को ज्योमेट्री का फादर माना जाता है क्योंकि वही एक पर्सन थे जिन्होंने सभी चीज़ों को एक साथ मिला के उनको ज्योमेट्री का नाम दिया। वो थे एक ग्रीक में इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इंडिया में भी आर्यभट्टा ने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी और बहुत सारे दूसरे चीज़ों पे बेस्ड जियोमेट्री डिस्कवर की। इनफैक्ट आर्यभट्टा ही थे जिन्होंने बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हुए सन के एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है। और इंडिया में जब तक दूसरे लोगों ने ये डिस्कवर किया कि अर्थ गोल होती है, उसके पहले ही इंडिया में ये डिस्कवरी हो चुकी थी जिसे आर्यभट्टा ने किया था। ठीक है, तो आपने देख लिया ज्योमेट्री हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।